जय हिंद दोस्तों, और मैं फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल एप्लीकेशन लोन, मल्टीपल बैंक लोन, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड लोन। यानी कि अगर आपने हर जगह से लोन लिया है, बैंक का, क्रेडिट कार्ड का या NBFC का पर्सनल लोन हर जगह से आपके ऊपर हो चुका है, अभी ड्यू चल रहा है, अमाउंट भी काफ़ी बढ़ गया है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोग ये वीडियो देखेंगे और देख के निश्चिंत महसूस करेंगे। अगर आपके ऊपर कुछ ज़्यादा प्रेशर है तो वो प्रेशर मैं कम करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये वीडियो पूरे इंटरेस्ट के साथ लास्ट तक वॉच करना है। और साथ ही में अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप लोगों को मैं हमेशा ही इसी तरीके की वीडियोस लेकर आता हूं, तो आप हमेशा वीडियोस चेकआउट करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हम लोग बात करते हैं मल्टीपल लोन्स के बारे में। आखिर मल्टीपल लोन्स कब हो जाते हैं और कैसे हो जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके पास पहले से पैसे उपलब्ध हैं तो किसी के कहने पर या किसी कंपनी के ऑफर आने पर आप कभी भी उससे लोन ना लें, क्योंकि लोन जो है वो दोस्तों देखते देखते काफ़ी बढ़ जाता है। और मल्टीपल लोन्स इस तरीके से होते हैं, मैं अपना आपको एक एग्जांपल सेट करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में ज़्यादा आ सके। 1 लाख रुपए का लोन था किसी क्रेडिट से, या मैंने किसी क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके लिया या फिर बैंक से लिया 1 लाख का लोन। अब वो जमा करने के लिए मैंने कहीं और से 1.5 लाख रुपये का लोन ले लिया, इंटरेस्ट के साथ जमा करना था। अब उसको जमा करने के लिए मैंने 1.5 लाख का लोन लिया, फिर 1.5 लाख के लोन को जमा करने के लिए 2 लाख का लोन ले लिया। अब 2 लाख का लोन जमा करने के लिए 4-5 जगह से फिर लोन ले लिया ताकि वो 2 लाख जमा कर सकूं। तो ऐसे करके काफ़ी लोगों का लोन होता है और मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, और 2 साल मैंने लगातार इस चीज़ पर काम भी किया, तो मुझे अब पूरी तरीके से पता चल गया कि लोग ज़्यादातर इसी चक्कर में फंसते हैं और फंस के अपने ऊपर मल्टीपल लोन्स क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन आती है फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि जब पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तब लोग मल्टीपल एप्लीकेशन से लोन उठा लेते हैं। उस समय उनको लगता है कि वो फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे, लेकिन फ्यूचर में कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है जिस वजह से वो पेमेंट सभी का नहीं कर पाते। अगर EMI भरते भी हैं तो बस 2 की ही भर सकते हैं, बाकी 5 की नहीं भर सकते। अगर 7 जगह से लोन लिया है तो 3 जगह की भर सकते हैं, 4 जगह की नहीं भर सकते। तो ऐसा काफ़ी जगह मुझे देखने के लिए मिला है। तो ऐसे केसेस में लोगों को हमेशा से डाउट रहते हैं कि क्या सही तरीका होगा पेमेंट करने का, क्या पेमेंट कैसे करेंगे। तो इस चीज़ पर मैं काफ़ी वीडियोस पहले भी ला चुका हूं और ये वीडियो भी होगी, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिएगा। मैंने अपना एग्जांपल सेट किया था, मैंने 1 लाख का लोन लिया, अब मैंने 5 लाख का वो लोन हो गया, 1 लाख के लोन को जमा करने के लिए 2 साल के बाद वो लोन अब 5 लाख रुपीज़ का हो गया। अब 5 लाख रुपये का जो दोस्तों मेरे ऊपर अभी लोन है वो मैंने 7 जगह से लिया है, और मेरी अभी सैलरी मात्र 20,000 है, और लोन है मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का जो मैंने 7 जगह से लिया है। अब 20,000 में से कितना भी मैं कोशिश करूँगा तो 10,000 ही EMI भर सकता हूँ। तो मैं पहले कोशिश करूँगा कि जो स्मॉल लोन है, छोटा लोन, यानी जहाँ से 20,000 का या 50,000 का लोन है, जहाँ पे कम अमाउंट का लोन है, पहले उसको जमा करके क्लियर कर दूँ। तो मैं सिर्फ छोटी EMI को ही अभी भरने वाला हूँ, और जो बड़ी EMI है उसको मैं अभी इग्नोर कर दूँगा, लंबे समय तक इग्नोर, 6 महीने साल भर तक इग्नोर करूँगा, और इस बीच में जो छोटे मोटे लोन हैं वो मैं जमा करते रहूँगा। ऐसे करके 1 लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये तक का लोन साल भर में मेरा क्लियर हो गया। अब 1 साल के बाद बाकी जो 4 लाख है उसका मुझे अब सेटलमेंट करना होगा, क्योंकि मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं सभी का फुल पेमेंट कर सकूँ, और कोई भी बैंक आपको 5-10 साल का समय नहीं दे सकता, या मुझे ही 5-10 साल का समय नहीं दे सकता, मैक्सिमम 1 ईयर्स तक का ही टाइम दे सकता है, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं देता। तो अब जो बाकी के 4 लाख रुपये बचे उसका मुझे अब एट लास्ट सेटलमेंट करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है लोन को क्लोज करने का। इस बीच में कॉल्स आएंगी तो कॉल्स को इग्नोर बिल्कुल ही कर सकते हैं, नोटिस आएंगे तो नोटिस में सिर्फ ध्यान रखना है कि कहीं पर भी नोटिस में केस नंबर मेंशन किया हुआ ना मिले। 99% जो नोटिस आपके पास आते हैं वो फेक नोटिस होते हैं, नकली नोटिस होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको रिमाइंडर देने के लिए होते हैं कि जो आपका ड्यू है वो आप जल्द से जल्द वापस पेमेंट कर दें। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि 5 लाख का लोन हो चुका था, जिसमें से 1 लाख का मैंने 1 साल में जमा कर दिया, बाकी अभी मेरे ऊपर 4 लाख रुपये का लोन बचा है, तो अब मैं इसको कैसे ख़त्म करूँगा। तो अब जहाँ से मेरा बड़ा बड़ा लोन है, जैसे कि एक जगह क्रेडिट कार्ड से मैंने 2 लाख का लोन लिया,
तो अब मैं उस 2 लाख के लोन को नेक्स्ट 50,000 में सेटलमेंट करने की कोशिश करूँगा, यानी 25% पे, 25 से 30% में लोन को सेटलमेंट किया जा सकता है पर्सनल लोन को। लेकिन ध्यान रखिएगा, इससे आपके सिविल पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मेरे पास अब दूसरा कोई रास्ता बचा भी नहीं है, तो अब सिविल बचा के भी कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस दलदल से बाहर निकलना है। तो मेनली मैंने क्या किया कि जहाँ से 2 लाख का लोन लिया था वहाँ मैंने अब 50,000 में सेटलमेंट कर दिया 3-4 महीनों में। अब ऐसे करके मेरा 3 लाख रुपये दोस्तों क्लियर हो गया। अब फिर से 2 लाख रुपये और बचा, तो फिर 3-4 महीने में फिर से मैं 50,000 रुपये जमा करूँगा और उस 2 लाख का फिर से सेटलमेंट करा दूँगा। अब ऐसे करके मेरा जो 5 लाख का लोन था उसमें से मैंने 4 लाख रुपये का सेटलमेंट करवा दिया और 1 लाख रुपये तो जो था उसको मैंने टोटल जमा कर दिया। अगर आप चाहें तो 5 के 5 लाख रुपये को आप सेटलमेंट करवा सकते हैं, 25% पे आप जोड़ लेंगे तो 1,25,000 रुपये दोस्तों बनेंगे, तो इतने पे आप सेटलमेंट टोटल अमाउंट को भी करवा सकते हैं, यहाँ से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है, इससे मेरा जो सिविल है वो अब इतना ज़्यादा लो हो गया कि अब मैं फ्यूचर में लोन नहीं ले सकता, कहीं से भी पर्सनल लोन नहीं ले सकता, अपने ऊपर नहीं ले सकता, बाकी अगर फैमिली मेम्बर्स हैं या घर में कोई और है तो उसके ऊपर भी मिल सकता है, लेकिन मेरे ऊपर नहीं मिल सकता। ये बस मैंने आपको एक आइडिया प्रोवाइड किया है जो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट की अगर आपके पास फुल पेमेंट आ जाता है या आप कुछ बेच के सोच रहे हैं कि सारा लोन को जमा कर दें, चुकता कर दें, तो ये भी एक सही रास्ता है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है या कुछ ऐसा है जो आप बेच के लोन को जमा कर सकते हैं, पूरा ही लोन क्लोज कर सकते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि 1 टाइम लोन ही क्लोज कीजिएगा, EMI मत भरिएगा, क्योंकि EMI भरने में क्या होता है कभी कभी फिर दिक्कत आती है, तो अगर आप एक भी EMI मिस करेंगे तो फिर आपको वही पड़ जाएगा, उतना वो लोग चार्जेस और फिर ऐड कर देंगे, पेनल्टी ऐड कर देंगे। इसीलिए हमेशा 1 टाइम में ही आप लोन को फुल पेमेंट करके भी क्लोज करा सकते हैं। कंपनी से बात कीजिएगा, कंपनी को समझाइएगा कि ऐसे ऐसे मुझे फुल पेमेंट करना है, तो वो आपको प्रोवाइड करेंगी और उसके बाद आपको NOC मिल जाएगा, आप लोन उनका पूरा का पूरा जमा करके एक बार में ही क्लियर करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे करके अगर EMI जमा करते रहेंगे तो ध्यान रखिएगा कि अगर EMI मिस होती है तो वो पेनल्टी चार्जेस लगा के फिर से आपका लोन उतना ही कर देंगे जितना आपने लिया था, और ऐसा हर जगह दोस्तों देखने के लिए मिलता है, क्योंकि लोन को हर कोई दोस्तों हैंडल नहीं कर पाता, और इसको सबसे ज़्यादा दिक्कत तो तब होती है जब लोग बिना सोचे समझे ही लोन उठाते हैं, खासकर शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए, बेटिंग ऐप पे पैसा लगाने के लिए। तो ऐसी चीज़ों में कभी भी दोस्त आप लोग पैसा ना लगाएं, नहीं तो आपको पैसा जो है वो डूबेगा ही डूबेगा, साथ में जो आपकी मेंटल कंडीशन है वो भी ख़राब होगी, क्योंकि ये लोन वाले काफ़ी लोगों को परेशान करते हैं, काफ़ी लोगों को तंग करते हैं, और उससे कैसे बचना है वो मेरे वीडियोज़ में आपको मिलेगा जो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया, अब नेक्स्ट हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि क्या करती हैं ये कंपनियाँ क्या करती हैं कि क्रेडिट कार्ड हो या पर्सनल बैंक से आपने लोन लिया हो या फिर NBFC से लोन लिया हो या एप्लीकेशन से लोन लिया हो, तो ध्यान रखिएगा ये कंपनियाँ टारगेट करती हैं रिकवरी एजेंट्स के थ्रू, आपको नोटिस के थ्रू आपको परेशान करेंगी, आपको तंग करने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ना ही आपके ऊपर कभी भी कोई FIR रजिस्टर की जा सकती है, ना ही आपको कभी जेल हो सकता है, ऐसी कोई भी अप्रिय घटना आपके साथ नहीं घट सकती। सिर्फ ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपको टाइमली करके किसी तरीके से लोन को पूरी तरीके से क्लोज करवाने की कोशिश करनी है, अगर आपके लिए पॉसिबल होता है तब, नहीं भी पॉसिबल है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें भी अदर ऑप्शंस आते हैं। रिटर्न ऑफ का भी एक ऑप्शन आता है जिसमें कि आपके लोन को बैंक वाले अपने खाते से हटा देते हैं, आपसे फिर दोबारा नहीं मांगते हैं, लेकिन जो आपका सिविल है उसमें आपको डिफॉल्टर घोषित कर देते हैं, ऐसा भी होता है ये, और काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो भी चुका है, और ये होता है 2-2.5 साल बाद, जब 2-2.5 साल आप लोन का पेमेंट नहीं करेंगे तब। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो NPA की रिकवरी नहीं करें, बैंक वाले NPA की भी रिकवरी करते हैं और कोशिश करते हैं वो पैसा भी उनको वापस मिले। तो सभी कंडीशंस पे हम लोगों ने आज के इस वीडियो में बात करी, और ये वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर दूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग ज़्यादा डरिए नहीं, बस मुझे फॉलो करते रहिए, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स हमेशा देता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो भी है वो शेयर करता रहूँगा आप लोगों के साथ, बस आप लोगों का इसी तरीके से सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।